और ये सब ने देखा है, शाहजिया ने भी देखा है। तो आपने दरवाजा क्यों बंद किया था इधर का? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहें सारी खबरें। खरड़ के निजी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 6 छात्राओं को नहाते हुए वीडियो बनाकर एक छात्रा ने अपने शिमला में बैठे दोस्त को फोन पर भेजा था। हालांकि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को इसकी भनक शनिवार दोपहर को ही लग गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर विद्यार्थी भड़क गए। शनिवार दोपहर 3 बजे तक वीडियो बनाने का मामला एलसी हॉस्टल में रही छात्राओं को पता चला था और उन्होंने हॉस्टल के वार्डन को इस बारे में बता दिया था। यूनिवर्सिटी DSW रीत रनौत ने पुलिस को शिकायत में बताया। उन्होंने बताया कि आरोपी छात्रा बाथरूम में नहा रही छात्राओं का वीडियो बना रही थी। इसके बाद उन्होंने वार्डन को कहा कि आरोपी छात्रा को उनके ऑफिस ले जाओ ताकि मामले की पड़ताल की जा सके। जब वो आरोपी छात्रा को लेकर आई तो पहले तो आरोपी छात्रा ने हर बात से साफ मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने उसके फोन लेकर चेक किया तो उसमें से वीडियो और फोटो डिलीट किए हुए थे। फोन कॉल्स और मैसेज ने खोली आरोपी की पोल। DSW ने बताया कि उनके ऑफिस में भी आरोपी छात्रा के फोन पर लगातार फोन कॉल्स आ रही थी। उन्हें संदेह हो गया कि कोई न कोई बात जरूर है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपना फोन स्पीकर पर लगाकर बात करो। लड़की ने फोन स्पीकर पर रखकर कॉल करने वाले ने कहा कि उसके पास कोई वीडियो या फोटो है तो उसे भेज दे। इसके बाद लड़के ने अश्लील वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज दिया। जब उन्होंने आरोपी छात्रा से सख्ती से पूछा तो वह मान गई कि उसका एक सनी नाम का दोस्त है जो शिमला में रहता है। आगे यह वीडियो तीसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाई गई उसे इस बारे में पता नहीं है। हालांकि तीसरे नंबर की भी शिकायत कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्रा पर केस दर्ज कर लिया है। साथ ही शिकायत में कहा जा रहा है कि पीड़िता ने आगे अन्य के फोटो व वीडियो भेजे थे, लेकिन SSP विवेकशील सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक की जांच सामने आ रही है, उसने अपने ही फोटो व वीडियो भेजे थे। जब उनसे सवाल किया गया कि फिर लड़की पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार क्यों कर लिया गया, इस पर उनका जवाब था कि यह पहला नियम है कि जब भी मामला आता है तो शिकायत दर्ज की जाती है। उन्होंने साफ किया कि किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, सारी चीजों की पड़ताल की जा रही है, वार्डन से लेकर सारे लोगों से बातचीत की जाएगी। फिलहाल ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं लगातार छात्राएं न्याय देने को लेकर गुहार लगा रही हैं और सड़कों पर उतर रही हैं। आप बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।